आम आदमी पार्टी के जो बैड कैरेक्टर एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनके घर से जिस तरह से जिंदा कारतूस अवैध असला बरामद हुए हैं और जिस तरह से उनके सहयोगियों के घर से काफी मात्रा में लाखों की तादाद में नकदी बरामद हुई है, ये सब बातें इस ओर तो इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से गुंडों को, किस तरह से गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण देती है, विधायक बनाती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जो लोग शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते थे, उस आम आदमी पार्टी के एमएलए के द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूल को बंद कर देना, फिर दुकानों को लाखों रुपए लेकर अपने पर्सनल व्यक्तिगत और राजनीतिक रसूख के लिए इस्तेमाल करना, ये सब ये दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से पहले आने से पहले उनका चरित्र कुछ और था, सत्ता में आने के बाद उनका चाल चरित्र चेहरा बदल गया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरह वहां स्थानीय लोगों ने भी इस बात को उठाया है कि फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चल रहे स्कूल को सुनियोजित तरीके से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के इशारे पर उसको बंद किया गया, वहां दुकानें खोली गई, स्कूल के सामान को बाहर फेंका गया। यह कृत्य किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल खास खास विधायक अमानतुल्लाह खान ने किया है। उनके मुस्लिम धर्म में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करना, उन गरीब और मजलूम लोगों के बच्चों को वहां पढ़ाना स्कूल में, और जो स्कूल सदियों से चल रहा था, जो स्कूल दसियों साल से चल रहा था, उस स्कूल को आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उनके द्वारा उस स्कूल को बंद किया गया, और फिर अमानतुल्लाह खान ने उस स्कूल की दुकानों, उस स्कूल के सामान को बाहर भिजवाया और उस स्कूल में दुकानें खोली, दुकानों में बड़ी मोटी रकम लेकर उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। और जब अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी होती है तो नकदी भी बरामद हो रही है, वहां असला भी मिल रहा है, वहां कारतूस भी मिल रहे हैं और एक लाल डायरी भी मिली है। ये रहस्यमय लाल डायरी जिसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ते में आ गई, वो भी जरूर बातें कर रहे हैं, इस लाल डायरी का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के प्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान के आतंकवादियों से संबंध हो, अंडरवर्ल्ड से उनके संबंधों, उनकी सांठगांठ की ये कहानी लाल किताब कह रहा है। इस लाल किताब में हवाला ट्रांजैक्शन का भी सारी बातें उसमें छुपी हुई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी रोज नित नए बयान उनके सामने आ रहे हैं, अपने आप को गाना भी कह रहे हैं कि हम तो गाना है। ये वही गाना है जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला करते हैं, राजस्व की चोरी करते हैं, ये वही गाना है जो दिल्ली में डीटीसी बस घोटाला कर रहे हैं, इनके विधायक यहाँ कारतूस निकल रहे हैं, इनके विधायकों के यहाँ अवैध हथियार निकल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो लगातार बयान बदल रहे हैं, इनके नेता बयान बदल रहे हैं और अभी भी ये सब बातें सामने आने के बाद लगातार मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। ना ही शराब घोटाले पर कुछ बयान दिया उन्होंने, ना ही अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
दिल्ली की जनता के साथ मिलकर जो जनता का जो सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल बौखला गई है। और अगर ईमानदारी की बात करें, अगर जरा भी उनके अंदर ईमानदारी बची हुई है, तो अरविंद केजरीवाल अपने इस करप्ट और 420 और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले ऐसे विधायक को तुरंत बर्खास्त करें। धन्यवाद।